स्वामी जी हमारी तो ख्वाहिश है नोबेल प्राइज आपको भी मिलना चाहिए। आप तो आप अमित जी, हुसैन जी, ज्योत्सना जी और मीनाक्षी, श्रुतिका, पूजा, ये सब हमारे भारत रत्न हैं और ये नोबल काम कर रहे हैं, इसलिए सब नोबल पुरस्कार। स्वामी जी आप तो भारत के रत्न के साथ साथ आप पूरे विश्व के रत्न हैं। हुआ है आप स्वामी जी नोबल पुरस्कार का जिक्र हुआ ही है तो एक नोबल पुरस्कार विजेता है जो पूर्व राष्ट्रपति रहे ओबामा, उन्होंने तो इस इलेक्शन में अपनी ही पार्टी के जो कैंडिडेट है कमला हैरिस को सपोर्ट दिया है। क्योंकि स्वामी जब देश दुनिया की बात कर लेते हैं योगाभ्यास के साथ साथ, क्योंकि आज बहुत अहम दिन है, 5 नवंबर है और आज ही अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं स्वामी जी। अब स्वामी जी वहां पर तो कौन किसके समर्थन में है सब पता ही लगी गया है, लेकिन आप तो अमेरिका इतनी बार गए हैं स्वामी जी, आपके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट ज्यादा बेहतर है और आपका समर्थन किसको जाता है? मैं तो इसमें तटस्थ योग अपना लेता हूँ, वैसे भी अपना देश है नहीं वो, तो एक योग है तटस्थ योग, साक्षी योग, दृष्टा योग, प्रेक्षा योग, विपश्यना योग, उदासीन योग अपना लेता हूँ। बाकी वहाँ पर एक जिसको कहते हैं ना जी डोनाल्ड ट्रंप, उन्माद युक्त राष्ट्रवाद, उसके तो पैरोकार हैं ट्रंप, और दूसरा जो अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉजिकल कहने पर लगे हैं और थोड़ा अपने आप को जो सोशलिस्ट कह रहे हैं, तो एक अपने आप को सोशलिस्ट कह रहे हैं, एक अपने आप को कैपिटलिस्ट, और जो है वो कहने को तो अपने आप को नेशनलिस्ट कह रहे हैं। तो ऐसे ये विचारधाराओं की जंग पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है, इसलिए अपन उस पचड़े में नहीं पड़ते, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि पूरी दुनिया में ये जो आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन, पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का दौर तो अभी भी चल ही रहा है, आर्थिक साम्राज्यवाद, राजनीतिक साम्राज्यवाद, अब ये वैचारिक और सैद्धांतिक साम्राज्यवाद का एक नया दौर पूरी दुनिया देख रही है। मैं तो इसमें चाहता हूँ कि सब मानवतावाद को सबसे ज़्यादा न्याय को ऊपर रखें, जस्टिस को ऊपर रखें, और किसी भी तरह के ये जो उन्माद है, फसाद है, इनसे बच जाए तो ही मानवता का भला होगा। तो हमने ये जो अभ्यास अभी तक कराए ना, इससे एक तो बीपी नॉर्मल रहेगा और इससे हमारा पूरा अंदर का शरीर तंत्र अच्छा रहेगा, फिर लोकतंत्र भी अच्छा रहेगा। लोकतंत्र भी गड़बड़ हो रहा है साहब, लोकतंत्र भी गड़बड़ हो रहा है, शरीर तंत्र भी गड़बड़ हो रहा है, और चिकित्सा तंत्र, शिक्षा तंत्र में भी, अर्थतंत्र में, विचार तंत्र में भी खड़यंत्र षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए आज मैंने पहले ही एक बात कही स्वामी जी, हर जगह कमाई तंत्र में जो है, जगत पर पहला अधिकार परमेश्वर का है, जीवन प्रभु ने, जगत प्रभु ने रचाया है, इसलिए उसके विधान का आदर करें।